हेलो बच्चों, ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। इसमें भी हम बेसिक मैथ के कुछ मेथड डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपको जो भी मैंने चार वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया। मैं इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। कुछ बच्चों का आंसर होगा कि सर मुझे समझ नहीं आया, कुछ बच्चों का आंसर होगा कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है, और तीसरे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये बिल्कुल ईजी लग रहा है। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो वीडियो दोबारा से देखें, दोबारा से उसकी कोशिश करें, और जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और जिन बच्चों को ये इजी लग रहा है उनके लिए आगे जाके स्टैंडर्ड वीडियो जो होंगे, स्टैंडर्ड मैथ की वीडियो होंगी, वो बहुत इजी होने वाली हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आगे शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर हमें ए बी सी थ्री वर्टेक्स दिए हुए हैं और ये कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें ए बी सी थ्री वर्टेक्स दिए हुए हैं, इनमें मीडियन ड्रान करके तो दो ट्रायंगल बन जाएंगी ए सी डी और ए डी बी, उन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एक्स और वाई की वैल्यू। बाय एलिमिनेशन मेथड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे एलिमिनेशन मेथड से करना है। टेंथ क्लास में इस तरह के तीन चार मेथड हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी थ्री वर्टेक्स दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सिक्स क्वेश्चन भी सेम है, आगे रैशनल नंबर का सम फिर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और थ्री रैशनल नंबर का सम। आगे तीन कंडीशंस हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है 13 है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। 14 कंडीशन है हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ यूनिक सॉल्यूशन। 15 क्वेश्चन में आप देखें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 12। इन्हें हमें बताना है कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। अगले दो क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से हैं। 18 क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द इक्वेशन सम ऑफ रूट इज 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 3। तो हमें एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस फॉर सम पी फॉर प्रोडक्ट, यहाँ सम की वैल्यू पर देनी है और यहाँ प्रोडक्ट लगा देना है। आगे 19 क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल और पैरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोथ आर सेम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए दिया हुआ है हमें 7 माइनस 2, बी दिया हुआ है हमें 5 1, सी दिया हुआ है हमें 3 k, और पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 के इक्वल अगर हमें ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं। एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 वर्टेक्स लिखें, 7 माइनस 2 5 1 3 के 7 माइनस 2, इसे हम ध्यान से देखो आप 1/2, ये मॉड का निशान है जो मैं दो लाइनें खींचता हूँ। सबसे पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 5 मल्टीप्लाई के 5 के, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस बैक शुरू, अब इसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 10, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 7 मल्टीप्लाई के 7 के इज इक्वल टू 0। 1/2 7 प्लस 5 के माइनस 6 प्लस 10, माइनस की वजह से सारे निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 माइनस 7 के इज इक्वल टू 0। 1/2 7 प्लस 10 17, 17 में से 6 निकाले 11, 11 में से 3 निकाले 8, 5 माइनस 7 के माइनस 2 के इज इक्वल टू 0।
ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0। अब 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 और 2k इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए 4 माइनस 6, बी 3 माइनस 2 और सी 5 2। हमें सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा करनी है, ए बी सी। ए के वर्टेक्स हैं 4 माइनस 6, ये चित्र से 4, 3 माइनस 2 और सी है हमारे पास 5 2। तो हमें मीडियन ड्रान करना है डी, ए डी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो कैसे निकालेंगे इसे, वर्टेक्स ऑफ डी। सबसे पहला जोड़ें 3 प्लस 5 अपॉन 2 और माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2। 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2, 4 0। तो हमारे पास जो वर्टेक्स हैं 4 0 आ गए। नेक्स्ट देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2। फार्मूला नहीं देख रहा, सीधा ही सॉल्व करना हूँ, आपको फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे 5 2 4 0 4 माइनस 6, आगे करें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी 1/2 मॉड 4 मल्टीप्लाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 24, माइनस 30 प्लस 8 प्लस 0 1/2 8 माइनस 24 प्लस 30 माइनस 8, 8 से 8 कट गया, ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। अब 30 माइनस 24 6, 1/2 6 और ये आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है एरिया, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये भी 1/2, ए के वर्टेक्स हैं हमारे पास 4 माइनस 6, डी 4 0 और बी 3 माइनस 2, 4 माइनस 6 1/2, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 8, 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 18, माइनस 24 0 माइनस 8 और 1/2 माइनस 8 माइनस 18 प्लस 24 प्लस 8, यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 6, 6/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन में हमारा एरिया सेम आ गया। हम कह सकते हैं कि मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड, हमें x प्लस y इज इक्वल टू 14 और x माइनस y इज इक्वल टू 4। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये नंबर वन ये नंबर टू, सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ये y है जो इधर जाके प्लस हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 प्लस y, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट
एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट कर दें, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5. अब y इज इक्वल टू 5 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, x प्लस y इज इक्वल टू 14, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9. हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. इसे एलिमिनेशन मेथड से करना है. ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है. आप एक और चीज़ देखें कि ये दोनों के निशान अलग हैं, तो हम y कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को ऐड अप करेंगे. अगर ये दोनों निशान सेम होंगे तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. एडिंग करने पर यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 2 एंड एडिंग 1 एंड 2, तो ये कट अप हो गए. 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाय 7, x इज इक्वल टू 2. पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू जो पुट करनी है वो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट 3, x की वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ. इसमें हमने एरिया निकालना है. a वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 15, b दिया हुआ है हमें 27 और c दिया हुआ है हमें 90. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फार्मूला आप खुद लिख लीजिए. 1/2, मैं सीधा ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ. 15 27 90 15 और 1/2, 7 × 1 = 7, 2 × 0 = 0, 9 × 5 = 45 माइनस 2 × 5 = 10, 9 × 6 = 63, 1 × 0 = 0, 1/2, 7 + 45 - 10 - 63, 1/2, दोनों को प्लस प्लस वाली रकम को ऐड किया, 52 - 73, तो हमें इनके सब्ट्रैक्शन आ गया 1/2 21 -73 ग्रेटेस्ट टर्म है और 52 स्मॉलेस्ट, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस. पर ये मोड जो लगाया मैंने उसकी वजह से ये प्लस हो गया 21/2, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स आंसर. सिक्स क्वेश्चन सेम है. ए बी सी हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं 3-1, बी वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 4-5 और सी दिया हुआ है हमें 2-6. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, 3-1, 4-5, 2-6, 3-1 और 1/2, 3 × -5 - 15, 4 × 6 = 24, 2 × 1 = 2, माइनस 4 × 1 = 4, 2 × -5 - 10, 3 × 6 = 18.
वन बाय टू माइनस 15 प्लस 24 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 18 और 1 बाय 2 अब प्लस वाली रकम को एडप्ट कर लीजिए 24 प्लस 2 26 प्लस 10 36 माइनस 15 और 18 37 और आगे हमारा 1 बाय 2 36 में 37 कटाए माइनस 1 और मोड़ की वजह से ये प्लस हो गया 1 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। सेवन्थ क्वेश्चन है 3 बाय 7 प्लस 4 बाय 8, ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर करते हैं। आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो 7 8 द 56, यहाँ दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 का 24, 7 4 का 28, तो हमारे पास आंसर आ गया 52 बाय 56। इसकी कटिंग कर सकते हैं आप 26 28 13 14 और 13 बाय 14 आंसर। आप यूजली मेथड से कैसे करते हो वो भी कर लीजिए, 3/7 प्लस 4/8, इन दोनों का एलसीएम लें 7 और 8 का, 7 मल्टीप्लाई 1 2 1 4 फिर 2 से 1 2, यहाँ प्राइम नंबर ही हमने यूज़ करने हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 56। अब 56 को 7 से डिवाइड करो 8 आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आया, 56 को 8 से डिवाइड किया 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, हमारे पास 52/56 सेम ही आंसर आ रहा है, 52/56 तो 13/14 आंसर। ये यूजुअली मेथड है, बाकी अगले क्वेश्चन सेम है। नाइन्थ क्वेश्चन चलते हैं हम, नाइन्थ क्वेश्चन 2/7 माइनस 4/3, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 28 माइनस 22/21 आंसर। आगे 11 क्वेश्चन देखिए आप, 4/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5, अगर आप यूजुअल मेथड करना चाहते हैं तो यूजुअल मेथड करिए, अगर आपको ये यूजुअल मेथड से नहीं करना है तो इन दो टर्म्स को आप ऐड अप कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, 4/3 द 12, 4/4 द 16, 3/2 द 6 प्लस 3/5, अब 22/12 प्लस 3/5, इन दोनों को फिर से ऐड अप कर दिए, 60 110 प्लस 36 146/60, कटिंग कीजिए इसकी 73/30। आप यूजुअल मेथड से करके देखिए, आपका क्वेश्चन आंसर सेम आएगा। आपको मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, 12 क्वेश्चन में ने यही डिस्कस करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये किसकी कंडीशन है, मैनी सॉल्यूशन। और 13 कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। और 14 कंडीशन है हमारे पास a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आ यूनिक सॉल्यूशन। और आगे हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 15 क्वेश्चन है हमारे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 और 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 12, तो हमें यहाँ a1 b1 c1, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 6 और a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 10 और c2 इज इक्वल टू 12। a1/a2 इज इक्वल टू 3/6 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 5/10, ये भी हमारे पास 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 6/12, ये भी हमारे पास 1/2। हमारे पास कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये किसकी कंडीशन बन गई, मैनी सॉल्यूशन की।
अगले क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। आगे हम 18 क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। एस फॉर सम, सम कितना है हमारे पास 4, या माइनस का निशान ध्यान में रखना है, यहाँ प्रोडक्ट है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, इसे आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, इसका एरिया जो है, ये रेडियस है तो इसका एरिया जो पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, दैट्स ऑल।